आज हरियाणा दिवस है और आप सब लोगों को हरियाणा दिवस की बधाई बधाई दे दो एक बस बना हरियाणा दिवस की हरियाणा दिवस की सबको बधाई है। और आज से SYL पर पानी का धर्मयुद्ध SYL पर पानी का धर्मयुद्ध की शुरुआत कर रहे हैं और इसके लिए एक नंबर जारी किया गया है 70 27 822 822। उस पर कॉल करके उसके ऊपर अपना नाम पता एड्रेस डाल के इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। और सबसे पहले इसके ऊपर हम लेटर पत्र लिखेंगे मुख्यमंत्री खट्टर साहब को, विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा साहब को और जितने भी सांसद हैं राज्यसभा चाहे लोकसभा, उन पर लेटर लिख के इनसे मिलने का टाइम लेंगे। अगर भाई SYL का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो हमने अपने सर पर ताज रख रखा है ये सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अगर भाई 20 साल हो गए हमने अपना निर्णय दिए उसके बावजूद इंप्लीमेंट नहीं हो रहा तो पंजाब सरकार को, भगवत मान साहब मुख्यमंत्री हैं, उनको कहा है SYL नहर का निर्माण के लिए, वो अगर नहीं करते हैं तो फिर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और अगर वो भी नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें सख्त कदम उठाना पड़ेगा। तो ये धींगा मस्ती की बात नहीं है, ये न्यायिक बात है। इसके ऊपर बहुत राजनीति होती आई है, सारी पार्टियां ने राजनीति करी है, अभी भी कर रही हैं और सबका आप लोगों को पता है, उसमें जाने की जरूरत है नहीं, सारे के सारे मोसेरे भाई हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। अब ये लड़ाई राजनीतिक नहीं, ये न्यायिक लड़ाई है, क्योंकि देश के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट की नहीं चल रही ना तो फिर चल रही किसकी। तो इसको लेकर पूरे हरियाणा में हम सब से अपील भी करते हैं कि भाई सब अपनी फोटो वीडियो डालें, जो भी इसको सपोर्ट करे है, सारे राजनीतिक संगठनों को, क्योंकि हरियाणा दिवस आज, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे सामाजिक संगठन है, चाहे किसान संगठन है, कोई भी है, चाहे हमारी सबसे ये अपील है एक मत होकर इस SYL के मामले पे सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे, दरख्वास्त लगावे अगजी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको इंप्लीमेंट होना चाहिए। क्योंकि हम ये अपील को एक उससे नहीं कर, हरियाणा के जितने कलाकार भाई हैं उनते भी, जितने खिलाड़ी भाई हैं उनते भी, जो भी है उन सब से हम ये एक अपील कर रहे हैं। एक बात, पहली बात तो है ये, फिर बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट, मैं अभी जनवरी में तारीख है और सुप्रीम कोर्ट मैं हम सरकार से, केंद्र सरकार से, क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने, अग बताओ भाई हरियाणा प्यासा है और प्यासा हरियाणा को, ये कोई हम ये नहीं कह रहे कि दिंगा मस्ती वाली बात है, पंजाब की पब्लिक, पंजाब के लोग चाहते हैं, किसान चाहते हैं कि हरियाणा छोटा भाई उनको पानी मिले, लेकिन पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर बिल्कुल नहीं चाहते कि हरियाणा को पानी मिले। 10 लाख लोग, सॉरी 10 लाख एकड़ जमीन किसानों की बंजर पड़ी है, ये मैं नहीं कह रहा, ये सर्वे रिपोर्ट है, रिसर्च की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट्स की है। 40 लाख टन अनाज उसके ऊपर उत्पादन हो सकता है। 60% हरियाणा के जो लोग हैं वो हाई TDS पानी पी रहे हैं, हाई TDS, जिसकी वजह से, क्योंकि 75% पानी है बॉडी, 75% बीमारियों का कारण भी, कोई गंजा हो जाए टाइम तक, पहले किसी के बाल धोले हो जाए, कोई पेट काट गया है, किसी कोई पतला हो जाए, किसी का पेट खराब रहे, अलग अलग 20 डाल की बीमारी, किसी का लीवर, किसी का पीलिया, और सबसे ज्यादा प्रभावित है वो है हमारी माताएं बहनें, क्योंकि पानी उन्हें लेना पड़ा है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो है बच्चे। तो भाई इसमें हमारी यही अपील है
और इस आंदोलन में सबसे हम तो ये कह रहे हैं, ये कोई महाराजा कल्याण का आंदोलन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ही डिसीजन दिया है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इंप्लीमेंट कराने के लिए ही हम सब लोग इस आंदोलन को कर रहे हैं। अब इसमें इसके अलावा हम ये भी काम करेंगे, अलग अलग जगह जाकर देखेंगे भाई, TDS जो है हरियाणा के लोगों का पानी का, आप लोगों से भी अपील है, जाकर पता कर लो, पता चल जाएगा। कोई दारू नहीं मांग रहे हम, कोई दूध नहीं मांग रहे हैं, दारू या दूध नहीं मांग रहे हैं, हरियाणा का हक है जो SYL का पानी है वो मांग रहे हैं हम किसी से। अब यहां 5 तारीख को, 5 नवंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान साहब आ रहे हैं रोहतक में शपथ दिलाना ताई, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब आ रहे हैं शपथ दिलाना ताई। तो भाई उनसे सवाल तो पूछेंगे हम, जगरीन तो पूछेंगे, उन तो पूछेंगे, SYL पे सवाल तैयार करके लेकर आवे, ये कोना चल रहा है, प्रधानमंत्री देखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधी नु कह रखी है पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है, भगवत मान साहब किस मुंह से किसको शपथ दिलाना रहे हो, गद्दारी की शपथ दिलाना रहे आगे केजरीवाल साहब 5 तारीख को रोहतक में, बताओ बोला शपथ दिलाना रहे हैं, वहां पंजाब में कहते हैं एक बूंद पानी नहीं देंगे हम, एक बूंद, ये कहते हैं वह कोई सा वीडियो होगी दिखाइए हमने, एक बूंद पानी ना देने वाले हां आकर नु कह रहे हैं अब शपथ दिलावेंगे। तो भाई कौन सा शपथ दिलाओगे, महाराज तो समझ में आ नहीं रही है, किस मुंह ते पंजाब के जो मंत्री आवे हैं आके गोलमोल बात कर जा, स्पष्ट करो इस बात ने, हरियाणा का हक है कि नहीं, मामला राजनीतिक नहीं रह रहा भी हो, किसी को पागल फद्दू मानने की जरूरत नहीं है, हम हैं अड़े, ये मामला न्यायिक है, सुप्रीम कोर्ट क्लियर कट नु कह रहा है अक भाई पानी जो है SYL का जो नहर का निर्माण है वो हरियाणा का हक है। तो भाई हरियाणा की मैं तेने को भगवत मान साहब आपका तो ससुराल भी है, तो ससुराल जब है तो इतना तो वैसे भी सोचनी चाहिए आपको, आख यहां की जो हमारी माताएं बहने हैं वो पानी के लिए दुखी रहे हैं और आप पानी नहीं दो, आप ये कह रहे हो पानी नहीं दूंगा एक बूंद, हरियाणा के जो किसान है वो किसान नहीं है क्या भाई, आख पानी नहीं देंगे एक बूंद, क्यों नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट तो बड़े हो गए गे, मुख्यमंत्री तो हो गए तुम्हें, अख सुप्रीम कोर्ट तो भी बड़े हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है हम ये चाहेंगे कि वो अपनी स्थिति इस पर स्पष्ट करें। 5 नवंबर को जो रोहतक का प्रोग्राम है उस रोहतक के प्रोग्राम में हम सवाल पूछने के लिए जाएंगे, और सवाल सिर्फ इतना ही है, जवाब सिर्फ इतना ही चाहिए, हाँ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू हो, इतनी जरूरत है और क्या की जरूरत नहीं है इसमें, नहीं दूसरे बार जो खुद कही है, खुद की बात बताऊ हूं मैं, ये खुद उन लोगों ने बयान दे रखे हैं, खुद के जो बयान है वे बयान आप लोगों ने वैसे भी देख रखे होंगे हरियाणा, लेकिन जब एक बूंद पानी नहीं देने की बात कर रहे हैं, लोग आड़ मर रहे हैं पानी के बिना, हरियाणा प्यासा है, तो ये बड़े भाई का ये फर्ज नहीं होता है और एक निष्पक्ष आदमी का ये बिल्कुल फर्ज नहीं होता है अक वो अन्याय की बात करे, और जो ये कह रहे हैं संविधान न मानना है, तो संविधान नहीं तो भाई सुप्रीम कोर्ट स्थापित करा होगा ना, उस सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं मानोगे, तो इस सुप्रीम कोर्ट की जो बात है उस बात को लेकर हम भाई मारा था, जो मामला आयो सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट के श्यामी है, अगर भाई सुप्रीम कोर्ट के श्यामी जो बात है उस बात को हम ताकि अच्छी लड़ा बता सकें, लोगा तभी बता सकें, अक भाई सीधी ही बात है, हरियाणा वाले अपना हक ले करेंगे, हम ना दबे कत्ती चाहिए, ना तो हमें भगवत मान साहब से केजरीवाल साहब से ना तो दारू मांग रहे हैं ना दूध मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं पानी हक, और हड़े आवे हरियाणा में तो पानी भी अपना, मेरे ख्याल में भगवत मान साहब को फिर पानी अपना ही ले आइए, आड़ा हरियाणा का पानी भी पी क्या दिपी हो भाई, जो भी दिल्ली तो अपना पानी ले आइए अपनी बोतल में, हालांकि इनके तो सारे काम उसे पानिया तो है भाई,
संभाल तो इस बात का है ना, अगर भाई जो गरीब आदमी है या जो हरियाणा के लोग हैं तो वो किस तरह से दुखी हैं। इसके अलावा उसमें दे रखा है अक्षपत के नाम है, सतलुज बचाने की चक्कर, ये देख सतलुज बच जाए, सतलुज एक नदी एक छोटा नाला बनता जा रहा है। तो ये तो इनकी इनकी कह रखी इन ने, आप लोगों के पास वैसे भी होंगे खरीद है। ये एक एक सेकंड होल्ड करियो, मैं अपना भी दिखा भी देता हूँ। इसके अलावा अभी एक मान साहब की अभी की स्टेटमेंट भी है, मान साहब की भी है। इस स्टेटमेंट ने आप अगर देखोगे तो क्या कह रहे हैं वो देखो, कितनी गजब बात है कि किस तरह से हमारे को ये कोले पानी है नहीं, इस करके एसवाईएल नहर दे उसारी दा या निर्माण दा सोचा भी नहीं जा सकता। ये एक बार फिर देखे, एक बार एक कमेंट, ये देख लिया भाई, ये कह रहे हैं ये भाई महाराज है, ये नाम है सोच भी ना सकते, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक भी ऊपर है साहब, इन्हू का है हम सोच भी नहीं सकते। एसवाईएल के खिलाफ है क्योंकि पंजाब की पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है और पंजाब में इस वक्त पानी की कमी है। एक मिनट फिर दोबारा दिखाऊंगा, एसवाईएल के खिलाफ है क्योंकि पंजाब पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है और पंजाब में इस वक्त पानी की कमी है तो हम उसके खिलाफ हैं। तो भाई ये खिलाफ है, ये देखो सुन ली ना, सुन ली, सुप्रीम कोर्ट तो बड़े मानना है अपने आप नहीं है। तो भाई या तो फिर इस सुप्रीम कोर्ट से ये नुका था भाई, सुप्रीम कोर्ट ने चलाने की जरूरत है, ये इसका ताला ला दो, बंद कर दो सुप्रीम कोर्ट ने। जब इस देश में सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी जाएगी तो फिर इस चीज का फायदा क्या है? तो भाई ये जो आ रही है शपथ दिलाओगे, शपथ सुनियो भाई, एक भाई ये क्या कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ है, शपथ दिलावा है, सुनो इब क्या ये शपथ जो लेनिया है और जिनको दिलाए जा रहे हरियाणा से गद्दारी करेंगे क्या? ये हरियाणा से गद्दारी की शपथ है? तो भाई शपथ या दिलावा या नोट कर लियो, एक भैया शपथ केजरीवाल साहब, मान साहब, मुख्यमंत्री जी ध्यानता या सुनियो, या शपथ, या शपथ है या शपथ ले सारे के सारे अड़ा गए हरियाणा से गद्दारी को ना चल रहा है। शपथ के भाई हम हरियाणा के हक्का पानी लाएंगे, ठीक है भाई शपथ यार, हम एसवाईएल का पानी लेकर आवेंगे, या शपथ दिलावा गलत है भाई? ये क्या भगवत मान साहब है, केजरीवाल साहब है, ये हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेंगे, ठीक है भाई? कोई गलत बात नहीं इसमें, हम एसवाईएल पर दलाली नहीं करेंगे, या शपथ लवाए एसवाईएल पर दलाली नहीं करेंगे। फिर भाई एक है शपथ लवा, हम दो अगली बात नहीं करेंगे, पंजाब में जाके किम्मर हरियाणा में आके किम्मर नहीं कहेंगे, यह शपथ गलत था भाई? हम हरियाणा की अपनी माता बहनों के लिए जो गंदा पानी है उसकी बजाय एसवाईएल लाके उनको शुद्ध जल उपलब्ध कराओगे, होनी चाहिए भाई। हम हरियाणा के 10 लाख एकड़ बंजर जमीन पे जो किसानों की है उसके लिए पानी लेकर आवेंगे, होनी चाहिए भाई शपथ। फिर भाई हरियाणा की 60% जनता, हरियाणा की 60% जनता जो अशुद्ध पानी पीवे है वो ना पीवे, उसके लिए एसवाईएल का पानी लेकर आवेंगे। और भाई इसमें आ गए, अगर हम ये शपथ नहीं लेते हैं तो हम हरियाणा के गद्दार हैं और जनता हमारे को जूतों की माला से स्वागत करे, झाड़ू तक पिट्टे बेच सके, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत बात नहीं। अगर ये शपथ नहीं लेते हैं, और मैं उन हरियाणा के लोगों को, साथियों को, नौजवानों को, बड़े बुजुर्ग सब तक कहूंगा, अपनी अंतरात्मा की बात हर लोग तक कहूंगा, सवाल पूछो इस बात का, पंजाब में नुका एक बूंद नहीं देंगे, खून बहा देंगे,
अरे हड़ा के नुके हैं हमें न्यू करेंगे हैं। तो भाई ये बात है, ये शपथ ग्रहण समारोह इनका 5 तारीख का, उसमें सवाल पूछने जाएंगे और सारी पार्टियां दे सारे नेताओं से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं सारे कलाकार सारे खिलाड़ी सब तय जो भी हैं उन सब से हम तो भाई ये बात कहे हैं अख जो ये सोयल का पानी है इसके लिए सब ने लड़ना पड़ेगा और सारी पार्टियां ने ये दोगली बात दोगली बयान ये नहीं चालन देंगे भाई, सीधी बात है। और इसके अलावा आज 1 नवंबर है, हरियाणा दिवस भी है, करवा चौथ है, तो करवा चौथ है आज, तो हमारी जितने भी सारे पति हैं जिनका ब्याह हो रहा है उनसे एक रिक्वेस्ट है आज वो अपनी पत्नी को बीवी को ये वचन देगा अगला जो व्रत होगा करवा चौथ का वो एसवाईएल के पानी तय तड़वाओगे। इसमें तो कोई बात नहीं, पत्रकार की भी तो बीवी होंगी, गलत बात तो नहीं है भाई। भाई आज करवा चौथ है, जितने भी पत्रकार भाई हैं, जितने और भी लोग भी हैं जो जिनके ब्याह हो रहे हैं आज, जब उस छालनी में देखें तो ये अपनी बीवी को, क्योंकि सबसे ज्यादा तो कष्ट उन्हीं को होता है, उनको ये कहें अगला करवा चौथ जब भी आएगा एसवाईएल के पानी तो व्रत तड़वाओगे, और जितनी भी पत्नियां हैं वे अपने पतियों को जरूर ये बात कहें अगली बार व्रत तोड़ेंगे तो एसवाईएल के पानी तय तोड़ेंगी, अरनाथ फिर देख लियो, गलत बात नहीं है, है? और ये हमने स्पेशल बनवा रखी देख भाई। इसके अलावा हम लोगों से एक अपील करते हैं, अक दिवाली के ऊपर दिवाली पे एक दिया सब अपना घी का एक दिया इस ऑयल के नाम का लावें, और इस चीज को लेकर मैं सारे हरियाणा के लोगों से कह रहा हूं और पूरे हरियाणा में इस कैंपेन को लेके जाएंगे। अरे भाई यो दिया है एस वाई एल का एक दिया दिवाली पे जरूर लावे। अरे भाई यो के नाम है, ये छालनी भी है, ये आप लोग जिसकी शादी हो बेसक ले जाइयो, ये देखे एस वाई एल वाला छालनी है, आज तक करवा चौथ है, शाम को ठीक है ना, ये शाम को यूज हो जाएगी, है ठीक है। तो भाई ये भी है। अरे भाई ऑटो दिखाइए, रे ये दूध दही का खाना था, दूध तो हम ले रहे हैं, या दही है भाई, दूध दही का खाना है। अरे भाई ये जो पेंडे धर रखे हैं ना, ये पेंडे न्यू है पानी को ना, अरे ये जो कस्सी धर रखी है, अरे ये सारे किसान ये जो छोटा है, ये सारी जो भी चीज है, इन सब चीजों को हमारा मकसद सिर्फ ये है कि भाई हरियाणा के लोगों का के साथ जो अन्याय हो रहा है, और पूरे हरियाणा वाले बौद्ध तो है नहीं भाई, हर ना हरियाणा वाले किसे दबे आ रहे हैं, तो भाई हरियाणा के हर उसको और पंजाब के उन भाइयों को किसानों को जो हमने छोटा भाई माना है उनसे रिक्वेस्ट है, पंजाब के उन लोगों से आके वो अपनी सरकारों को अपने नेताओं को कहें आपका छोटा भाई तसाया मर रहा है, पैसा मरने लग रहा है, ये पाप मत करो। और ये मैं बता देना चाहता हूं इन सरकारों को सिस्टम को कि पंजाब में अगर हर जाति धर्म के लोग रहते हैं तो हरियाणा में भी हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, और पानी तो पतला कुछ नहीं होता, पानी पियाने का तो धर्म है, हर धर्म है, हर धर्म में ये कह रखी है पानी पहली चीज है। तो भाई ये जो सारा मामला है इसको लेकर अब हम पूरे हरियाणा में ये कैंपेन चलाओगे, जनवरी में ये डेट है सुप्रीम कोर्ट की, और हम तो सुप्रीम कोर्ट के मान सम्मान और इज्जत के लिए लड़ रहे हैं भाई, और हम अपने हक और न्याय के लिए लड़ रहे हैं, निष्पक्ष बात है, इसमें किसी राजनीति को उसका कोई लेना देना नहीं। मान साहब आओगे, केजरीवाल साहब आओगे, उनसे भी हमारा यही सवाल है, आप स्पष्ट करो यहाँ पे, खट्टर साहब है उनसे भी हमने टाइम मांगे हैं मिलने का, हुड्डा साहब है उनते भी, 15 सांसद हैं, एक तो भगवान तो प्यारे हो रहे हैं लेकिन 10 जो थे 9 हैं उसके, अरे 5 राज्यसभा के हैं, उनसे भी खिलाड़ियों से भी सबसे हमारी रिक्वेस्ट है हरियाणा की जनता से भी, अगर भाई हॉकी और न्याय की लड़ाई है, इसमें कोई दिंगा मस्ती की बात नहीं है, भाई कोई है संवैधानिक बात है, सुप्रीम कोर्ट की बात है, और सुप्रीम कोर्ट का भाई हमने तो 250 सर पे ताज पे ला रखा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट इस देश के अंदर अगर लोकतंत्र है, संवैधानिक व्यवस्था है, संस्था है, तो ये नहीं चलेगा भाई आप कोई भी मतलब कोई डिसीजन तो मानना नहीं कोई, और कोई मान लेगा हाईकोर्ट के डिसीजन पे तो आप कुछ भी कर दोगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कर दोगे, लेकिन आपका नहीं मानना जा रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती मानता हूं मैं, अब सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है 20 साल से हम अपना इम्प्लीमेंट कराने के लिए डिसीजन को धक्के खा रहे हैं,
तो इस तरह बेइज्जती की बात कोई हो नहीं सकती। आप लोगों का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो मेरे तक जरूर बता दो। 5 तारीख को जो प्रदर्शन है उसकी रूपरेखा क्या रहेगी जी? 5 तारीख का प्रदर्शन है भाई, वो हम सवाल जाके पूछेंगे। क्या विरोध प्रदर्शन किया? विरोध सवाल पूछने जाना है यार, इसमें विरोध की है तो इन्हें विरोध मान लो, हम तो जो भी आवे उस तो पूछे हैं। अरे हम तो ये ले हैं यार भाई, हम ना बैठा ले हैं, लेकिन हम तो ये बात कह रहे हैं भाई, प्रदर्शन करने का तो लोकतांत्रिक अधिकार है मेरे हिसाब से, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी ने भी। हर बार नजर बंद कर लिया जाता है आपको, जो भी आपको तो मैं तो यही कहूँ नजर बंद का तो मैं तो बता दी थी मैंने इनके आया था प्रशासन उन तो बता भी दी थी भाई, मेरी गल बात करी तो भाई सीधा मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। अब ये तो लोकतंत्र में इतना तो अधिकार है ना, अब जाके हम प्रदर्शन कर सके हैं क्यों, क्या मतलब है गाड़ा घर की गना बैठा दे? ये तो मैंने प्रशासन को भी कह दी थी भाई, मेरे गए अगर इस तरह की बार बार चीजें ये होंगी तो भाई और तक कर सका हम इनका, हाईकोर्ट में जाओगे उस तुम्हारी आवाज तो दब नहीं सकती है, हमने बंद कर ले थे। ठीक है जी, आड़े रही हो रहा जाइयो ना कि मैंने खड़े हो लो एक बार सारे हरियाणा का SYL, हरियाणा का रुक के मारो बात कर रहे नो थोड़ी है इतना, हरियाणा का हाथ क्या चाहिए और करड़े रुक के मारो, क्या चाहिए भाई, सुप्रीम तक भी कोर्ट तक भी कोई बड्डा है ना? सुप्रीम कोर्ट तक भी कोई बड्डा उसके आगे भाई, हरियाणा का आकाश हरियाणा दिवस की बधाई दे दो एक बार सबने, हरियाणा दिवस की हरियाणा में भाई दब्या करेंगे भाई, अपने हक ने ले करेंगे ना, अपना हक भाई, हम कोई दारू मांगे हैं? अरे दारू मांगे हैं क्या? दारू मांगे हैं गे दूध मांगे हैं गे बताओ SYL मांगे हैं? तो भाई सीधी बात है, आज सारा ये भी रिक्वेस्ट है जितना का भी हो रहा है, आज छालनी में गए सारा ने कि छालनी यारी या छालनी है हमारी तरफ से, ठीक है छालनी हमारी तरफ से है। 5 तारीख ने 11 बजे सारे के सारे देखो आड़े अपना ग्राउंड है धरना स्थल स्टेडियम के शामी सेक्टर 6 में धरना गौशाला दो रहे हैं, ठीक है भाई, सारे ने पूरी ताकत है आके सवाल पूछने हैं, हमने कोई रैली दिखा देनी नहीं भाई, जिसने लागे भाई सवाल पूछने हैं, ठीक है भाई, तो मैं तो जाऊंगा भाई, जिस भाई ना आना हो उड़ा जाइयो भाई, ठीक है ना, मैं अरे भाई मेरी गल है 4 आदमी और देखो सब किया जिम्मेदारी हो अपनी गल है 4 आदमी ठाणिया होने चाहिए, बाकी भाई मार दो रहे ना पब्लिक है ना पैसा है ना पावर है ना पद है कुछ नहीं है, लेकिन हरियाणा की लड़ाई हरियाणा के हक की SYL की, और हम तो सबसे पहले तो मान साहब आ रहे हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनने, और उनका तो वैसे आज भी आज करवा चौथ है तो उनने सोचनी चाहिए यह चीज अगर हरियाणा में जो पानी पीवे हैं वो ठीक नहीं, उसकी ससुराल है मान साहब की, तो हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई अपना आराम तो दे दे, भाईचारा तो यही हो है, न्यायिक बात भी यही हो है, तो सारे भाई और सारे भाई अपनी वीडियो बनाओ और वीडियो बना कर सारे अपने सोशल मीडिया पर डालो और न्यूज चेक करो कौन आज हरियाणा के हक की बात नहीं कर रहा।
कौन नहीं बोल रहा। फेसबुक पे भी देखो, ट्विटर पे भी देखो, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह है। ये जितने भी साथी हो ना आप, मैं आपको बताऊं, इतिहास में नाम लिखा जाएगा, ध्यान रख लियो। अब जब एसवाईएल की लड़ाई लड़ी गई थी ना, इसलिए राजनीतिक लड़ाई नहीं होली, ये न्यायिक लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है। अरे भाई कति आर पार की लड़ाई लड़ाएं, कति पाछे नहीं हटे। इस अपने आप को ना इस फोटो वीडियो ने डाल दियो, याद रखियो, इतिहास में नाम लिखा जाएगा। अब जब लड़ाई लड़ी गई थी ना भाई, ये आदमी थे, मुर्दे नहीं थे, हमें मर्द थे, के थे बोधा नहीं हो, दादा कौन थे बोधे नहीं हो, दादे नाम लिखा जाएगा इतिहास में भाई, बता दू हूं। घनी बड़ी बात तो कहनी नहीं चाहिए, और सारे कट्ठे हो गए, मजबूत हो गए, या लड़ाई लड़ेंगे, और पूरा देश और दुनिया देखेगी, वह लड़ाई लड़के दिखाओगे, सीधी बात है। तैयार हो सारे? अरे तैयार हो गए दोनों आठा, बताओ। अरे तैयार हो गए सारे? तैयार हो सारे? सारे तैयार हो? तो भाई आज तो एसवाईएल का पानी का धर्म युद्ध शुरू के शुरू। और सारे भाई 70-27 822 822 कितना 70-27 822 822 पे भाई कॉल करके अपना नाम, नंबर, अपना एड्रेस बता गए, इस आंदोलन से जुड़ सके हैं। और भाई कति धर्मयुद्ध है, न्याय की बात है, भाईचारे की बात है। तो भाई सारे भाई इस पूरी ताकत है इस धर्मयुद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो। ये ना कोई जाति का है युद्ध, ना कोई ये धर्म का है, ना कोई एक क्षेत्र का है, ये न्याय का है, ये पानी का है। हर जाति को, हर धर्म को, हर क्षेत्र के लोगों को इसकी जरूरत है। और जिसमें वो गुर्दा, जिसमें वो जिगरा, वो इस आंदोलन में आ जाइयो। हरनी भाई कोई बात नहीं, अपनी रोटी खा के सो जाइयो, ठीक है ना? तो भाई इसलिए हमें तो ये क्या, सारे तैयार हो ना भाई, सारे सारे आठा ले भाई, पाछे ने भाई पाछे ले ले, सब गा ले, पूरा ले दे, उड़े दे कोर, सारा अच्छी वाला देख लो भाई। वो नंबर दिखने दो पाछे, इस नंबर के आगे हटा लो, अरे नंबर देख ले दिखा है। छोटे ने थोड़ा नीचे कर ले, वो नंबर दिख जाएगा किधर है, ये ठारे ना भाई, कोई ना कहता, ये ले लो। हो गया भाई, हरियाणा का हक, हरियाणा का हक, हरियाणा का हक, के चाहिए, के चाहिए, दारू चाहिए, के दारू चाहिए। तो भाई एसवाईएल से ये है, अरे हरियाणा का हक है। बोलो भारत माता की, इंकलाब इंकलाब, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पुष्पाकुल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, उधम सिंह, मदन लाल ढींगड़ा, गौ माता, छत्तीस बरादरी का भाईचारा, छत्तीस बरादरी का भाईचारा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय हिंद भाई, जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणा, करड़ा रुका मारो हरियाणा, जय हिंद, जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणा, भाई भाई सामान।